नमस्ते दोस्तों दोस्तों मैं सुमन शर्मा अपनी नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने। दोस्तों मैंने अपनी इस वीडियो में ये बताया है कि अगर लाल मिर्च और हरी मिर्च के अचार का मसाला बच जाए तो आप इसका किस तरह से दोबारा से यूज कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, दोस्तों मैंने लाल मिर्च और हरी मिर्च का अचार डालते समय आपसे ये कहा था कि अगर इसका मसाला बच जाता है तो हम इसी मसाले में दूसरी ला करके हरी मिर्च या लाल मिर्च डाल सकते हैं। तो ये लाल मिर्च सारी ख़त्म हो गई हैं और मसाला देखिए बहुत सारा बच गया है। तो इसी मसाले में जो मसाला हमारा बच गया है इसी मसाले में आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं या चाहें तो लाल मिर्च, जैसे भी चाहें इस मसाले का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए ये सारी हरी मिर्च मैंने ला करके और इस तरह से काट दी हैं और इस मसाले में मैक्सिमम दोनों ही तरह की हरी मिर्च और लाल मिर्च एक ही तरह के मसाले में डाली जा सकती हैं। तो आप सारी हरी मिर्च या लाल मिर्च जो भी ला रहे हैं, जो भी अचार बढ़ाना चाहते हैं, उसमें ये ऐसे काट करके बचा हुआ मसाला भर सकते हैं और फिर इन्हीं में ही डाल करके आप 2 या 3 दिन धूप लगा दें तो ये दोबारा से अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो हम सारी हरी मिर्च में, मैं हरी मिर्च को ज़्यादा बढ़ाना चाह रही हूँ, तो सारी हरी मिर्च में ये मसाला भर देंगे जो लाल मिर्च में से बच गया है। तो देखिए दोस्तों, बचे हुए मसाले में मैंने जो लाल मिर्च का मसाला बचा था उसमें सारी ये हरी मिर्च और ये थोड़ी सी छोटी हरी मिर्च भी डाल दी हैं उस मसाले में। तो अब हम इन्हें 3 दिन के लिए, 3 या 4 दिन के लिए डिब्बे में बंद करके धूप में रख देंगे और ये फिर से गल जाएंगी और फिर से अचार हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बचे हुए मसाले का बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं और अचार को भी बढ़ा सकते हैं।